और अब हमारी जो प्रथम महिला हैं गाजियाबाद की, गाजियाबाद की प्रथम महिला होना ही ये शब्द ही अपने आप में बहुत ही कमाल का है, गर्व और गौरव से भरा है जी। तो मैं चाहूंगी कि हाँ जी कि हम हमारी प्रथम महिला को सुने और उन्हें मैं इन पंक्तियों के साथ बुलाना चाहूंगी कि इन्होंने उन तुंद हवाओं में जलाए हैं चराग, इन्होंने उन तुंद हवाओं में जलाए हैं चराग, जिन हवाओं ने पलट दी हैं बसातें अक्सर, और इनसे एक बार भी जीता है न जीतेगा कोई, वो तो ये जान कर खा लेते हैं माते अक्सर। जोरदार तालियों से स्वागनंदन करते हैं, और हमारे बीच में प्रवीण जी भी आ गए हैं, बहुत बहुत स्वागत और अभिनंदन आपका भी। मैम प्लीज आइए, आप हम सब की प्रेरणा है, बहुत बड़ी प्रेरणा पुंज है हम सभी के लिए। आज इस हिंडन मंथन कार्यक्रम के अंतर्गत मंच पर विराजे हमारे हिंडन समिति के प्रेरणा सूतक भाई सत्येंद्र जी, हमारे बहुत ही चिर परिचित पूर्व विधायक आदरणीय सिरोही साहब, हमारी दीक्षा भंडारी जी, हमारे प्रोफेसर साहब, मंच पर आसीन सभी अति गणमान्य व्यक्ति, वीके जी, ममता जी, राज जी, संजय जी, प्रशांत जी, प्रदीप जी बैठे हैं, प्रवीण जी, सारे हमारे वो लोग जो अपने शहर से, अपने कल्चर से और अपने धार्मिक स्थलियों की कास्ता के रूप में धोतक अपनी हिंडन नदी से प्रेम करते हैं, ऐसे में सभी लोगों को आपका बहुत बहुत अभिनंदन करती हूँ। और विशेष तौर से जो जिनकी कि मैं संचालन की कायल हूँ, ऐसी हमारी कवित्री बहुत अच्छे संचालन करती हैं। संचालक महोदया या महोदय के हाथ में बहुत कुछ होता है, प्रोग्राम को उठाना और गिराना। मैंने कई कार्यक्रम आपके देखे, आप बहुत सफल संचालन करती हैं, ऐसी हमारी अनुपमा जी, अल्पना जी, और अभी अभी हमारे ज्ञानेंद्र जी गए हैं। चूंकि मैं भी ही यही कि जन्म है मेरा गाजियाबाद का, और मैं भी बहुत पुराने टाइम से हर नंदी को देखती आ रही हूँ। कभी साइबेरियन बर्ड्स आते थे यहाँ और आके उन छटा देखने लायक थी। हमारे परिवार के बड़े लोग, ताऊ जी, चाचा जी वगैरह सब, जैसे प्रातःकाल लोग हरिद्वार में रहते हैं या बनारस में रहते हैं, गंगा स्नान करने जाते थे, तो वो हिंडन नदी का हर नंदी स्नान करने आते थे। आज कष्ट होता है क्योंकि हम उस कगार पर पहुंच गए, चाहे वो कंक्रीट की नगरी हो, चाहे वो स्वार्थ जिस चीज में भी अपना भरा हो। मेरे को बहुत अच्छा लग रहा था जब अभी ज्ञानेंद्र जी कह रहे थे कि इन सबको दूषित करने वाले कौन, हम ही दूषित कर रहे हैं। अभी भी मैं कई बार देखती हूँ पॉलीथिन में पूजा सामग्री का सामान होता है, शिक्षित परिवार, चाहे वो हिंडन नदी हो, चाहे वो जमुना नदी हो, चाहे मुरादनगर की गंग नहर हो, गाड़ी को रोक के बाकायदा पॉलीथिन समेत हिंडन नदी में उस पॉलीथिन को फेंकते हैं। और कई बार मेरी बहस भी हुई है, हम लोगों ने नगर निगम के माध्यम से एक ऐसी गाड़ी भी चलाई है जो हर मंदिर से, हर धार्मिक स्थल से हमारी पूजा की सामग्री, चाहे वो फूलों के रूप में हो, चाहे वो चढ़े हुए हमारे कोई भी अन्यत्र सामान हो, वो कलेक्शन करती है और जगह जगह जाके हम लोग उसको एक जगह इकट्ठा करते हैं। ऐसे ही हमने हिंडन नदी के तट पर भी, संजय जी को भी याद होगा, सिरोही जी को भी याद होगा, एक हमने तट पर भी एक कुंड बनाया है, लेकिन मुझे बड़ा कहते हुए बड़ा अजीब लगता है कि वो कुंड आज भी खाली है और नदी उतनी ही दूषित कर रही है।
हम लोग कर रहे हैं। हम सुधरे तो जग सुधरे। हम अपने ग्रेवान में झांक के देखें, जब तक किसी शहर का नागरिक, कोई भी शहर हो, इंदौर क्यों फर्स्ट आता है जी भारत में स्वच्छता के मिशन में, वहाँ के नागरिक कॉपरेट करते हैं, ना गंदगी करेंगे ना करने देंगे, स्वच्छ रखेंगे स्वच्छ रखवाएंगे, तब उस शहर को नंबर एक उत्तर भारतवर्ष में आने की क्रम में वो लगातार 3 वर्षों से आ रहा है। फौजी तो हो, फौज में तो जाए, लेकिन मेरा बेटा नहीं पड़ोसी का बेटा जाए। इस चरितार्थ को, इस कहावत को, इस कथन को जब तक हम नहीं बदलेंगे और शुरुआत नहीं करेंगे, मैं कहती हूँ कि एक हर नंदी क्या हजारों हर नंदियों की दुर्दशा अपने आंसू रोएगी नदी। छठ पूजा आती है, बड़ा धार्मिक हमारा पूर्वांचल का त्योहार है। एक महीने से रात दिन अथक प्रयासों के द्वारा हम लोग ऐसा करते हैं, बिल्कुल उसको सफाई करते हैं, सारे हमारी समितियों के लोग लग जाते हैं, चाहे वो हिंडन नदी की सेवा के लोग हों, नमामि गंगे के हों, लेकिन उसके बाद फिर अभी आप जाके देखिए वही दुर्दशा है। और मेरा सबसे यही अनुरोध है कि सत्येंद्र जी एक बात कह रहे थे कि हम प्रदूषण में नंबर 2 पर हैं, इन सब का कहीं ना कहीं पीछे का कारण हमारा जनसंख्या है। मैं किसी का विरोध, किसी का कुछ नहीं कर रही, पुराने आंकड़े से लगा लो और आज के आंकड़े लगा लो, हमारी जनसंख्या कहाँ है। जितनी हमारी जनसंख्या बढ़ेगी उतना प्रदूषण बढ़ेगा, उतनी गंदगी बढ़ेगी। मैं इस मंच से कहना चाहती हूँ, पहले एक गाड़ी में, मुझे ध्यान है हमारे फादर के पास एक गाड़ी होती थी एम्बेसडर, पूरी कॉलोनी में पूछा जाता था कि आपने दिल्ली चलना हो तो हम गाड़ी में बैठा के ले चले। एक एक हफ्ते हर एक की गाड़ी जाती थी और साथ साथ लोग उस एम्बेसडर में बैठ के जाते थे। और आज कहने में शर्म आती है, घर में 14 आदमी है तो गाड़ी 15। आप पूछेंगे 15वीं किसकी, क्योंकि उन कोठी वालों के कुत्ते भी गाड़ी में जाते हैं, एसी 15वीं गाड़ी। जब वो एसी का प्रदूषण सड़क पर आएगा, हर कमरे में एसी, उसका प्रदूषण सड़क पर आएगा तो पॉल्यूशन तो बढ़ेगा। मीठा छुड़वाएं लेकिन अपना ना छोड़ें, हम अपने लिए ना सुधरें, जो भी सुधरना है सामने वाला सुधरे। इस चरितार्थ को बदलना होगा तभी हम, चाहे वो हिंडन नदी हो, चाहे हमारी मुरादनगर की गंग नहर हो, या 370 नदियां हमारी कोई भी हो, जब तक हम ये बीड़ा नहीं उठाएंगे कि हमें स्वयं साफ करनी है, सरकार शासन ब्यूरोक्रेट्स अधिकारी एक बात करेंगे और आपके साथ लग के चले जाएंगे, जैसे उन्होंने कहा कि आते और चले जाते हैं, कुछ अधिकारी छाप छोड़ के जाते हैं। मैं हर मंच पे रामबोध मौर्य जी को याद करना चाहती हूँ, राज दीदी यहाँ बैठी हैं। आज अगर गाजियाबाद ऑक्सीजन ले रहा है तो साई उपवन के कारण ले रहा है, और जहाँ बैठे हैं ये श्रद्धा उपवन के नाम से, कान्हा उपवन के नाम से, मुझे ध्यान है कम से कम 2500 पेड़ हम लोगों ने अकेले मैंने रोपे हैं, और आके उनको देखा है किस तरह से सघन घन होता था। आज जब मैं इस फॉरेस्ट सिटी को देखती हूँ तो मेरी आत्मा कहीं ना कहीं मुझे बहुत खुशी महसूस होती है, बहुत लगता है। पर उपदेश कुशल बहुत, तेरे बातें लंबी लंबी फेंकेंगे, ये होना चाहिए, वो होना चाहिए, फलाना होना चाहिए, शहर साफ होना चाहिए, नदी साफ होनी चाहिए, लेकिन जब अगर किसी से थोड़ा सा भी सहायता लो, नहीं नहीं ये तो सब आप ही की जिम्मेदारी है। तो मेरे भाइयों, शहर आपका है, नदियां आपकी हैं, वृक्ष आपके हैं, सब कुछ आपका है, तो इंतजार क्यों। एक और एक मिलके 11 होते हैं, एक दूसरे के सहयोग से मिलकर चलें, और केवल भाषण करके ना जाएं और केवल भाषण सुनकर ना जाएं। इतना सा कार्यक्रम करेंगे, इतनी फोटो कि आदमी पागल हो जाए, किसी को 2 रोटी भी बांट दी तो दे फोटो। ऐसी फोटो लगाते हैं, कहीं रसोई हो गई तो ले फोटो, कहीं कपड़े दे दिए पुराने घर के उतार के तो दे फोटो। इन सब चीजों से ऊपर आओ, इन सब चीजों से सुधरो, तभी हम शहर का विकास करेंगे। कड़वी बात कहकर जा रही हूं लेकिन सच्ची बात कह रही हूं।
हमें आपकी ज़रूरत है, आपको हमारी ज़रूरत है, एक दूसरे का मिल के सहयोग करेंगे। और संजय जी जैसे और हमारे बहुत लोग यहाँ पर बैठे हैं, हमें ऐसे लोगों की बहुत आवश्यकता है जिनकी तरफ हम आँख उठाकर देखते हैं और हम कहते हैं कि हमें अपने साथ चलाओ, हमारे साथ ना चलो, हमें अपने साथ चलाओ तो हम देश का, अपने शहर का स्वरूप बदलेंगे। आप सब लोगों को आज हमारा डीप फॉरेस्ट डे भी है, अभी मैं वृक्षारोपण भी कर आई हूँ, सघन जैसे कहते हैं ना, सघन वन के हिसाब से अभी हमने कुष्ठ आश्रम के सामने वृक्षारोपण भी करा है, रोपण ही नहीं कर रहा, उनको बचाना भी है। और मैं सभी लोगों के सहयोग को, सभी लोगों की जो भी जितने भी निर्णय आपने ज्ञानेंद्र जी ने बताए कि यहाँ निर्णय आएंगे, जो भी आप निर्णय आएंगे, 24 तारीख तक थोड़े व्यस्त हैं, एक बार बैठेंगे उन निर्णय से बात करेंगे और जो भी अच्छा सा हल निकलेगा, मैं आपके साथ हमेशा थी, हमेशा हूँ और हमेशा रहूँगी। इन्हीं शब्दों के साथ अपनी वाणी को विराम देती हूँ। जय हिंद, जय भारत, धन्यवाद। बहुत बहुत धन्यवाद। और इस हुंकार के बाद तालियां कम नहीं होनी चाहिए, ये एक गुंजार है, ये एक आह्वान है, एक चेतना है, एक प्रवाह है विचारों का। वाकई मुझे डॉक्टर कुंवर बेचैन जी की वो पंक्तियां याद आ रही हैं कि होके मायूस नहीं हूँ, शाम से ढलते रहिए, जिंदगी भोर है, सूरज से निकलते रहिए, और एक ही ठाव पे ठहरेंगे तो थक जाएंगे, धीरे धीरे ही सही राह पे चलते रहिए। तो प्रयास सभी के मिलकर होते हैं, एक व्यक्ति ही सोचता है, एक अकेला चना क्या भाड़ फोड़ेगा, बिल्कुल फोड़ सकता है जी, कोशिश तो करे, सभी को करने हैं प्रयास। बहुत सार्थक बातें कही मैम आपने, तहे दिल से शुक्रगुजार हैं। और वाकई आपकी ये बातें जो हैं इस पावन पुनीत यज्ञ में बेहतरीन आहुति साबित हुई हैं।